तो गाइस यार दुनिया के अंदर बहुत सारी कैटेगरी के लोग होते हैं, कोई लंबे होते हैं, कोई छोटे होते हैं, कोई मोटे होते हैं, कोई पतले होते हैं, और भाई हम तीनों में से देख लो, दिनेश थोड़ा बहुत मोटा है, मैं नॉर्मल हूँ, सीरज थोड़ा बहुत पतला है और लंबा भी है, और हमारी हाइट बिल्कुल नॉर्मल है। और गाइस इस दुनिया के अंदर सभी लोगों की अलग अलग पहचान होती है, कोई लंबे होने के कारण, कोई छोटे होने के कारण, लेकिन भाई आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग मिलने वाले हैं भारत की नहीं बल्कि पूरी दुनिया की सबसे स्मॉलेस्ट यानी सबसे छोटी वुमन से। तो भाई आपको बता दूं, वो जो सबसे छोटी लड़की है उनका नाम है ज्योति आमगे, और हमारे गांव से वो रहती है लगभग 1900 किलोमीटर दूर नागपुर सिटी के अंदर। तो हम लोग यहां पर आ चुके हैं और अगले 24 घंटे के अंदर वो क्या क्या एक्टिविटी करती है और क्या क्या उनके अंदर अलग है वो हम इस वीडियो के अंदर बताने वाले। तो करते हैं इस वीडियो की शुरुआत। चलो भाई चलो। तो गाइस अब जो है हम लोग पहुंच चुके हैं ज्योति मैम के घर के बिल्कुल ठीक सामने। तो भाई ज्योति मैम के घर के पास यहाँ पर बोर्ड लगा है ज्योति हाउस, और ये एड्रेस है, और मैम का घर यहीं पे है और मैम ही अंदर ही होंगे। हमसे बात हुई है मैम की, तो मैम को बाहर बुलाते हैं और हम लोग चलते हैं अंदर। मैम हाय। हाय मैम, कैसे हो? अच्छे। हाय मैम। ओह माय गॉड। आराम से ना? आराम से मैम। तो भाई ये है हमारी प्यारी सी क्यूट सी ज्योति जी आमगे, जो कि भाई अभी लिविंग है वर्ल्ड के अंदर सबसे छोटी महिला। आप देख सकते हैं भाई, मुझे यकीन नहीं हो रहा है मेरी आंखों के ऊपर। पता नहीं भाई वीडियो के अंदर कितने बड़े दिखाई दे रहे होंगे, लेकिन भाई रियल में मेरी आंखों से देखो ना तो इनकी हाइट भाई सही में छोटी है यार। चले मैं अंदर। चले अंदर। चले चल। तो गाइस हम लोग आ चुके हैं ज्योति मैम के घर के अंदर, और भाई घर के अंदर आते ही सबसे पहले भाई नज़र पड़ती है ज्योति मैम के काफ़ी सारे अवार्ड्स पर और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के ऊपर। भाई देखो चारों तरफ अवार्ड ही अवार्ड है, वहाँ पर लिम्का अवार्ड है, यहाँ पर गिनीज के 1, 2, 3, 4, 5, तो भाई सबसे ज़्यादा अवार्ड इन्हीं के पास है गिनीज वाले। तो गाइस नॉर्मली जो लोगों के लिए सोफा यहाँ पर कुछ इस प्रकार का होता है, लेकिन भाई मैम के लिए स्पेशल यहाँ पर आप देख सकते हो बिल्कुल छोटा सा, और मैम आइए बिल्कुल छोटा सा यहाँ पर एक सोफा रखा हुआ है। यार अब उस कारण का भी पता कर लेते हैं जिस कारण से ज्योति मैम वर्ल्ड फेमस हुई है भाई, इनकी हाइट की वजह से, कि ये दुनिया की सबसे छोटी कम हाइट वाली लड़की है। तो भाई सबसे पहले तो नॉर्मल इंसान की जो हाइट है वो माप लेते हैं, और उसके बाद में मैम की हाइट माप लेते हैं, ठीक है? तो पहले दिनेश की हाइट कर लेते हैं कि इसकी साइज क्या है। तो गाइस दिनेश की जो हाइट है वो है 5'8", और अब जो है मैम की हाइट कर लेते हैं। तो गाइस आप यहां पर देख सकते हो मैम की जो हाइट है वो है 24 इंच, यानी कि 24 इंच जो है मैम की हाइट है भाई। भाई यहाँ देखो ये बच्चा जो है लगभग मैम कितने साल का है? 1 साल का है, और ज्योति मैम हमारे जो है वो 30 साल के हैं, जबकि ये बच्चा जो है ज्योति मैम से थोड़ा सा ज़्यादा हाइट के अंदर है। तो आप फर्क देख सकते हो 1 साल के अंदर और लगभग 30 साल के अंदर। तो भाई मैम क्यूट होने के साथ साथ बहुत ज़्यादा स्टाइलिश भी है, आप देख सकते हैं जूते से लेके टॉप तक बहुत स्टाइलिश ड्रेस पहनती है, साथ साथ मैम यूज़ करते हैं आईफोन। तो मैम ये आपको यूज़ करने के अंदर हैंडी है या फिर नहीं है?
है क्योंकि आईफोन मुझे बहुत पसंद है। अच्छा, पहले मेरे पास आईफोन 8 था, अभी मैंने आईफोन 15 प्रो लिया है। अच्छा, तो आप देख सकते हैं इसका कवर भी भाई मेम की तरह बहुत क्यूट है। और मैं आपको बता दूं, इनको पिंक कलर बहुत ज्यादा पसंद है और इनका जो रूम है ना वो भी पूरा का पूरा पिंक है। तो चले रूम में। हाँ, चलो रूम में। ठीक है, तो गाइस अब बारी है मैम का बेडरूम दिखाने की। और भाई यहाँ पर ये है ज्योति मैम जी का रूम। भाई मैं देखता हूँ, उठा के उठा लो। उठा लो भाई, बहुत हल्के हैं। कितना वेट है आपका? पहले तो नहीं बताया आपने। पागल भी क्या, पर वो सबको पता है। अच्छा, इसलिए नहीं बता रहे है ना? हाँ, इसलिए नहीं बता रहे। ये जो फोटो के अंदर है। ये सारे मेरे फ्रेंड्स हैं। सारे आपके फ्रेंड है ना? तो ये झाड़ू आप निकालते हो? नहीं। तो फिर इतना छोटा क्यों है ये? क्योंकि मेरा रूम है इसलिए। अच्छा, ये आपका रूम है? जरूरत पड़ी तो मैं भी कर लेती हूँ। क्या तो गाइस, ज्योति मैम का बेडरूम है और उसके अंदर भाई जो नॉर्मल बेड होता है वो काफी बड़ा होता है, लेकिन आप देख सकते हैं मैं नीचे बैठा हूँ और मैम बैठी है यहाँ पर बेड के ऊपर। इतना सा छोटा सा बेड है मैम, आप इसके ऊपर आप आसानी से चढ़ जाते हो इसके ऊपर। और वहीं आप देखो मैम का यहाँ पर एक सोफा है, यानी एक चेयर है, वो भी कितनी सी छोटी सी और क्यूट सी है। तो भाई मैम के बेडरूम के अंदर जो भी इनको जो चीजें काम आती है वो सारी चीजें इनके हिसाब से छोटी छोटी यहाँ पर रखी है। जैसे एक टेबल है, यहाँ पर एक कुर्सी है, और यहाँ पर आपको दिखाऊं तो भाई सबसे यूनिक चीज यहाँ पर मुझे एक लगी, झाड़ू। भाई मैंने इतना छोटा झाड़ू है ना पहली बार ही देखा है। और यहाँ पर एक डस्टबिन भी है। तो वो मैम आप झाड़ू भी निकालती कभी कभार? ये लो। नहीं, झाड़ू नहीं चाहिए। अभी वही सफाई हो चुकी है, मैम ने बोला है हो चुकी है। और छोटा सा झाड़ू है और सभी इनके अकॉर्डिंग छोटी छोटी चीजें हैं। तो भाई मैम को भाई फैशनेबल होना बहुत ज्यादा पसंद है और रूम के अंदर हर एक जगह पिंक पिंक चीजें हैं। तो मैम ये टेडी बियर आपने खरीदे हैं या फिर किसी ने दिए हैं गिफ्ट के तौर पे? ये सारे टेडी बियर मुझे गिफ्ट मिले हैं, फ्रेंड्स ने, फैमिली ने जी, मतलब सबने दिए। अच्छा, तो मैम आपको खाना जो है वो किस टाइप का पसंद है मैम, घर का या फिर बाहर का? मुझे तो घर का खाना पसंद है, पर सबसे ज्यादा मैं फास्ट फूड खाती हूँ। फास्ट फूड, पास्ता, मोमोज, नूडल्स। अच्छा, और इन कबर्ड के अंदर आपका क्या क्या रहता है? मेरी कबर्ड नीचे है। अच्छा, नीचे है क्या? हाँ। ओके, तो चलो आप ही कबर्ड खोलते हैं और भाई दिखाते हैं फेमस एक्टर्स ज्योति जी आमगे के कबर्ड के अंदर क्या क्या चीजें हैं। भाई आ जाइए, ये मेरी कबर्ड है, इसमें मेरे सारे कपड़े हैं। तो भाई देखो ड्रेसेस भी बच्चों की तरह ही है, लेकिन है हमारे मैम की, यही बात है ना मैम? देखो पिंक ही पिंक कलर है और बाकी सारे अलग अलग कलर भी मैम चूज कर लेते हैं। भाई छोटी छोटी चूड़ियां देखो मैम की, ये सबसे छोटी चूड़ियों को कलेक्शन है। ये देखो भाई कितनी छोटी छोटी चूड़ियां मैम पहनते हैं और इनको चूड़ियां पहनने का भी शौक बहुत ज्यादा है। भाई तो भाई अब दिखाते हैं मैम का जो वॉश बेसिन है वो किस टाइप का है। इधर ठीक है भाई। तो भाई यहाँ है मैम का वॉश बेसिन और आप देख सकते हैं नॉर्मल वॉश बेसिन जो है वो मेरी हाइट के अकॉर्डिंग यहाँ पर है। भाई आराम से मैं हाथ मुंह धो सकता हूँ, लेकिन मैम का जो वॉश बेसिन है वो यहाँ पर है। ये वॉश बेसिन आप यूज करते हैं? हाँ, ये मेरे हाइट का वॉश बेसिन है और मैं ही यूज करता हूँ। तो गाइज यहाँ से तो मैम का आपने बेडरूम देख लिया, घर देख लिया, लेकिन भाई अब चलते हैं पब्लिक प्लेस पे और वहाँ पर चलते हैं, मैम को खाना खिलाते हैं और मैम को शॉपिंग कराते हैं और देखते हैं। तो गाइज यहाँ पर हम सभी लोगों के लिए पानी आया है नॉर्मल ग्लास के अंदर, लेकिन भाई यहाँ पर मैम कितना पानी पीते हैं। और ये छोटी सी ग्लास है, चांदी की क्या मैम ने? सिल्वर की, यानी कि मैम के चांदी की ग्लास है स्पेशली। ये लीजिए मैम, आप कितना पानी पी लेते हैं पूरे दिन के अंदर? पूरे दिन के अंदर थोड़ा थोड़ा। तो भाई नॉर्मल इंसान होता है वो लगभग 4 से 5 लीटर पानी पी सकता है, लेकिन वहीं पर मैम पीते हैं सिर्फ 250 ml पानी, यानी कि आधा लीटर से भी आधा पानी पीते हैं।
जो छोटी सी ग्लास थी इसमें से भी मैम ने बस मात्र इतना सा ही पानी पिया, यानी कि एक चौथाई भी पानी नहीं पिया मैम ने। तो मैडम आप अमूमन पूरे दिन में क्या क्या काम करते हो आप? मेरा दिन सबसे अलग है और मेरी रात भी अलग है, क्योंकि मैं रात में लेट सोती हूँ और दिन में लेट उठती हूँ। जब मुझे काम होता है तो मैं जल्दी उठ जाती हूँ, जैसे कोई शूट है या फिर कुछ काम होता है, बाहर जाना होता है तब। तो मैं सबसे ज़्यादा अपने फ़ोन में सोशल मीडिया पे अपडेट रहती हूँ। अच्छा, फ़ोन ज़्यादा यूज़ करते हो? मैं सबसे ज़्यादा फ़ोन यूज़ करती हूँ। लेट सोते हो आप? हाँ लेट सोती हूँ, मेरा भी कोई टाइमिंग नहीं है और सोने का भी कोई टाइमिंग नहीं है मेरा। अच्छा, तो मैम हमारे घर वाले जैसे हमें डांटते हैं ज़्यादा मोबाइल यूज़ करते हैं, तो आपको भी डांटते होंगे? हाँ, मोबाइल के लिए तो डांट पड़ती है क्योंकि वो तो सबके घर में है। मम्मी डांटती है आपको? मम्मी जी सबसे ज़्यादा कौन डांटता है? मम्मी डांटती है। ये है ज्योति आम के मैम की मम्मी, और मम्मी डांटता होगी। हाँ, ज़्यादा यूज़ करे तो डांटना पड़ता ना, आँखें खराब हो जाएंगी, नींद खराब होती है। सही बात है, ऐसा है ना। मैडम बदमाश तो नहीं है ज्यादा? बदमाश है। हाँ बदमाशी करता है, सभी बच्चों के समान है वो भी, कुछ कम ज्यादा तो है नहीं। तो मैम आपको मोस्टली बॉलीवुड के अंदर कौन सा एक्टर पसंद है? सबसे मैं तो फैन सलमान की हूँ। अच्छा, मुझे सलमान खान बहुत पसंद है और मैंने बिग बॉस 6 भी किया था उनके साथ। हाँ जी, हाँ जी, क्योंकि वो मेरे फेवरेट एक्टर है तो मुझे बहुत अच्छा लगा था उनके साथ बात करके, मस्ती करके। वैसे तो सारे एक्टर्स मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, उनका नेचर और सब कुछ, एक्टिंग, मूवीज सब बहुत अच्छी है जी। एक्सपेरिमेंट किंग पसंद है? हाँ मुझे बहुत पसंद है आपका चैनल और मैं आप लोगों को बहुत देखती हूँ। वाह क्या बात है, मैडम भी वही हमारे वीडियो देखते हैं। तो भाई यहाँ पर जो है हमारे लिए चाय आ चुकी है, हमारे भाई जो कप है पूरा का पूरा भरा हुआ है, लेकिन मैडम का जो कप है ना वो बिल्कुल आधे से भी आधा है। भाई चाय कम पीते हो आप? हाँ चाय कम पीती हूँ चाय पर पीते हो है ना। तो भाई अब जा रहे हैं मॉल के अंदर मैम का फेवरेट फास्ट फूड खाने के लिए, लेकिन भाई आप लोग देखो मैम की हाइट कहाँ तक है गाड़ी की, भाई टायर तक है और गाड़ी की साइज आप देख सकते हैं कितनी बड़ी है भाई। तो भाई मैम यहाँ पर आ चुके हैं और भाई अब हम लोग जाने वाले पब्लिक प्लेस शॉपिंग मॉल और पिज्जा खाने के लिए, मैम को बहुत ज़्यादा पसंद है, तो चले मैम चढ़ जाओगे अब? तो भाई मैम की हाइट काफ़ी ज़्यादा छोटी है, कार में चढ़ नहीं सकते, तो मैं क्या करता हूँ बिठा देता हूँ। ये लो। तो भाई यहाँ पर एक पानी की बोतल और भाई यहाँ पर है मैम ज्योति मैम, ये बोतल और मैम दोनों की हाइट लगभग सेम आ रही है क्योंकि मैम है दुनिया की सबसे छोटी गर्ल। तो भाई मैम और हम लोग आ चुके हैं यहाँ पर सेंट्रल मॉल के अंदर नागपुर के अंदर, और भाई मैम को यहाँ पर थोड़ी बहुत करनी है शॉपिंग और इधर उधर थोड़ा घूम लेते हैं और भाई पूरे दिन के अंदर एंजॉय कर लेते हैं। चले मैम आ जाओ।
कर रहा हूँ, ये वाला जूता। कैसा लगा मेरा मजाक? अच्छा है, अच्छा है, लेकिन बड़ा है, लेकिन बड़ा बहुत है ये। अब यही बताएंगे कि मैं कैसे पहनूंगी। भाई बिल्कुल साइज नहीं आएगा, चप्पलों से काट के उसके बाद में पहनना। वाह क्या सीन है मैम के, ये है ना इसकी और इसकी साइज देखो, बहुत ज्यादा डिफरेंस है, ये बहुत बड़ा है और मैम के आते छोटे छोटे जूते। शॉपिंग मॉल में ज्योति मैम शॉपिंग करने आई और उसी के साथ भाई कई जहाँ पे यहाँ पर शॉप में लगे हैं वो फोटोज ले रहे हैं इनके साथ। तो गाइस सुबह से हम लोग घूम रहे हैं इधर उधर, तो भाई अब है ना थोड़ी थोड़ी मैम भूख लगी ना आपको, थोड़ी थोड़ी भूख लगी, तो भाई हम लोग आ चुके हैं डोमिनोज और यहाँ पर पिज्जा खाते हैं, पिज्जा खाएंगे क्योंकि भाई सुबह से हम लोग कभी मॉल में जा रहे हैं, कभी किधर ही घूम रहे हैं, कभी किधर ही घूम रहे हैं, तो अब ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। तो भाई यहाँ पर है एक डोमिनोज का पिज्जा और एक आदमी जो है इस पिज्जा को आराम से खा सकता है, लेकिन भाई देखते हैं ज्योति मैम एक इस पिज्जा को खा पाते हैं या फिर नहीं। आप देख सकते हैं कितना डिलीशियस है भाई। और भाई पहले तो आप लोग जो है इस पिज्जा की हाइट देखो और लगभग ऑलमोस्ट इसी की साइज के हमारे ज्योति मैम है भाई देखो। तो भाई अमूमन जो है एक नॉर्मल इंसान इस एक पिज्जा को खा सकता है, तो भाई मैम से पूछते हैं कि मैम इस पिज्जा में से कितना खा सकता है। मान लो ये एक पिज्जा है, इसमें से आप ये एक पूरा स्लाइस खा सकते हो ये वाला। तो भाई देखो कितना अंतर है, एक नॉर्मल इंसान इस पिज्जा को खा सकता है लेकिन ज्योति मैम सिर्फ इस स्लाइस से अपना पेट भर सकते हैं। वही अगर अगर मुझे मौका दिया जाए तो ये सारा पिज्जा मैं एक साथ एक टाइम में खा सकता हूँ, लेकिन भाई यही डिफरेंस है मैम में और हम नॉर्मल इंसान। तो भाई रात के लगभग टाइम हो रखे हैं 9:30 और हमने पूरा का पूरा दिन है ना ज्योति मैम के साथ गुजारा भाई, हमें तो बहुत मज़ा आया और इनकी जो एक्टिविटीज़ है, इनकी जो चीज़ें हैं वो सच में भाई सब लोगों से अलग है। ये छोटा पहनती है, छोटी चीज़ें करती है और छोटी छोटी चीज़ें खाती है भाई। और गाइस हम लोग भी यही देखना चाहते थे कि भाई पूरे दैनिक रूटीन के अंदर भाई मैम जो है किस प्रकार अपना जो रूटीन वो कार्य है वो करते हैं, कहाँ कहाँ घूमते हैं, क्या क्या खाते हैं, वही देखना था और आप लोगों को ये दिखाना था। तो भाई मैम ने मॉल में शॉपिंग भी कर ली, पिज्जा डोमिनोज में पिज्जा भी खा लिया और कितना मैम खाती वो सब आप लोगों ने देख लिया, लेकिन भाई अब काफ़ी रात हो चुकी है तो भाई हम लोग भी यहाँ से जाते हैं और मैम का टाइम हो चुका है अब सोने का। ठीक है मैम, गुड नाइट। गुड नाइट, इनको कुछ बोल दो ना, मुझे ऐसे ही प्यार करते रहो और इनके चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो और गुड नाइट करो, और गुड नाइट करो और मुझे भी करो लाइक, इनको भी लाइक करो। आप सब कुछ करते ही हैं, हम सब लोग करते हैं आपको लाइक। ठीक है मैम, बाय बाय बाय।